Hello, welcome. This is Oneindia News and I am Akash. The much talked about Union Budget is about to be presented on February 1st, 2018 by Finance Minister Arun Jaitley. The most important point about this budget that it is the first budget after GST implementation and demonetization. From the Aam Aadmi to small-scale traders, a lot of hopes are pinned on this budget. We at Oneindia went to Janpath Market and Gujarati Market in the national capital to hear from the traders there about what they are looking for in this budget. Income tax mein reduction hona chahiye madam. और दूसरा जीएसटी के बहुत चार्जेस बहुत ओवर चार्जेस हैं 18% जैसे हमारे आइटम पर लगता है तो बहुत ज़्यादा चार्जेस हैं तो कस्टमर देते हुए हिचकता बहुत ज़्यादा तो कई कस्टमर तो आइटम छोड़ ही जाते हैं अच्छा और ये कम होना चाहिए मैक्सिमम 10 की रेंज में होना चाहिए क्योंकि बैग आज की डेट में हर किसी की रिक्वायरमेंट ऐसा लग्जरी आइटम नहीं है कोई जिसके लिए अलग से बजट बना के चलेगा अपना और दूसरा इनकम टैक्स में रिडक्शन होनी चाहिए हाँ उसमें भी जैसे 2.5 लाख के आसपास चल रहा था उसको महंगाई इतनी बढ़ गई हर चीज़ इतनी महंगी हुई उसमें वो कब से उसी रेटों में घिसटे चले जा रही थी थोड़ा इसको कंसिडर करना चाहिए जीएसटी का ये इफेक्ट हुआ जी हमारी सेल कम हो गया सेल कम होने की वजह से वो जीएसटी देते नहीं है जीएसटी देंगे नहीं तो जीएसटी कई बार हमें बिल तो काटने पड़ते हैं ले वो हमें अपने आप तो जीएसटी अगर लोग कस्टमर्स पे नहीं करते तो आप लोग को तो मैंडेटरी है भरना लॉस होगा तो आप लोगों का हाँ लॉस होता है तो हमारे को उनको बिल तो देना होता है तो जितने का उन्होंने सामान लिया उसके बाद हमारे को जीएसटी देना पड़ता है और इसके वजह से जो चीज की रेट थोड़ा सा कम है उसको आपको थोड़ा सा बढ़ा के तो बेचना ही पड़ेगा नहीं तो जीएसटी कैसे दोगे बढ़ा हुआ फिर वो लेते नहीं है अच्छा क्योंकि अगर वो उनको होलसेल कम हमारा रिटेल का दुकान है तो उनको पता ही होते हैं रेट्स तो वो कहते तुम नहीं दे रहे तो साथ वाली दुकान दे देगी साथ वाली नहीं दे रही तो उसकी अगली दे देगी तो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट उससे बहुत कम होगा तो ये जो जीएसटी और नोटबंदी के बाद पहला बजट है इसमें आपका एक्सपेक्टेशन क्या है और उसके ऊपर से जो जीएसटी के बाद शॉप चलाने में कैसी कैसी दिक्कतें आ रही है दिक्कत तो मैडम सभी को आ रही है सबसे पहले जैसे मैं आपको पहले बताया कि वो पहले कुछ आइटम्स टैक्स फ्री थी अब सभी टैक्स लग गए और एक पहले फ्लैट 5% था अब देखिए 1000 के बाद 1001 भी हो जाएगा तो आपको 12% टैक्स लग जाएगा गुड्स आते हैं 5% पे और गुड्स आती हैं 5% पे और उन पे रिटेल लगा होता है 12% का शॉपकीपर वो कस्टमर से तो वो कस्टमर कहीं देता है कोई नहीं देता उससे भी प्रॉब्लम हो गई 7% अपनी जेब से जाएगा वो प्रॉफिट कम हो गया तो प्रॉफिट आप लोगों का कम हो मार्जिन ऑफ प्रॉफिट बहुत कम हो गया बहुत कम हो गया बिल्कुल ना के बराबर हो गया अभी तो सर मैं लोगों की कंफ्यूजिंग की वजह से जीएसटी के लिए वजह से बिजनेस में तो काफ़ी असर है और मे बी बजट के बाद जब उनके माइंड सब क्लियर हो जाएंगे तब शायद बिजनेस के ऊपर आगे काम होगा नहीं मतलब अभी जीएसटी कितना देना पड़ रहा है या अभी आप लोग क्योंकि मैंने किसी से बात हैंडीक्राफ्ट के ऊपर मैं बिल्कुल 0% कर दिया अभी अच्छा हाँ जी तो शायद तो आप लोगों का कोई भी चीज़ में अभी जीएसटी नहीं लगता है हैंडीक्राफ्ट के ऊपर अभी ये बताइए जो इनकम टैक्स के ऊपर जो टैक्स लगता है उसमें आपका कोई एक्सपेक्टेशन है कि कुछ कम होना चाहिए या टैक्स रिडेम्पशन का एक तो जो वुमेन्स के लिए थोड़ा सा उनको बढ़ाना चाहिए और जो 2.5 लाख की है कि जो उन्होंने लिमिट है रखी उसको बढ़ा के 3 लाख तक करना चाहिए बस यही एक्सपेक्टेशन Well, that's all for now. But for more news and updates, log on to oneindia.com and please don't forget to like and share this video. Also, don't forget to subscribe to One India News channel.